इथेच राहत होतो, पण आमचं सर्व नेलेलं बीएमसीने, काही सुद्धा ठेवलं नव्हतं. आणि त्याच्यानंतर परत डिमोलेशन झालं ना, तारीख माझ्या लक्षात नाही, डिमोलेशन झालं तर पूर्ण त्यांनी आम्हाला इथून उभं राहायला सुद्धा बंदी केलेली, आमच्या लाद्या सुद्धा ठेवणं हे केलेली, त्या एवढा त्रास देत होते आम्हाला. आम्हाला आम्ही दिवसभर सगळं सामान घेऊन बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगच्या इथे राहायचो, आणि संध्याकाळी 6 नंतर आम्ही इकडे यायचो. आणि 9 ते 6 मध्ये कोण दिसलं आणि बीएमसीची गाडी वगैरे आली तर आम्हाला हाकलून द्यायची, इथं उभं राहण्यास सुद्धा बंदी करायची की तुम्ही लोक इकडे यायचं नाही, काय करायचं नाही. आमचे आम्ही साधं लाकडं सुलीसाठी गोळा करायला आलो तरी आम्हाला ते करायचं. में हमारा घर टूटा था. टूटा तो जब भी मैं नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरे बच्चों को लेके, बीच वाले को, राजावाड़ी में. तीसरे दिन मैं आई बकरी इससे पहले, तो आके देखी तो हमारा झोपड़ा पूरा टूट गया था. तो हम उधर खाड़ी में रहने लगे थे कंपनी के पास, उधर हम रह रहे थे. रोज़ सुबह 10 सामान लेके उधर जाते थे और 5 के बाद सामान लेके इधर आते थे. ऐसा क्यों है भाई? ये बिल्डो का राज है, ये बिल्डरों का राज है. खाने को घर नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है. आम्ही विजय चव्हाण म्हणून यांचा मोर्चा होता इकडे मिठीला आझाद मैदानामध्ये. आम्ही त्यांच्या मोर्चाला 3-4 गेलो. त्याच्यानंतर आम्हाला मेघाताईंच्या मोर्चाचं माहीत पडलं, मग आम्ही गेलो. तिथे पण घराच्या हक्कांसाठीच असं चाललं होतं की गरीब लोकांचा जेवढा त्रास होतो त्या त्रासमधून काही मार्ग निघावा असं त्यांचं हेतू. मग आम्ही जाऊन त्यांना आमची नावं, एरियाचं नाव वगैरे फॉर्म असे द्यायचं. 2005 में जब आझाद मैदान में हमारा मोर्चा था तो हम सब उधर ही थे. तो मेरे आदमी रोटी और अंडा तल के भेजते थे, तो हम उधर सब बैठ के खाते भी थे. शबनम दीदी को पता है, टिफिन भर के वो भेजते थे. गली में से कोई गया तो मेरे लिए कपड़ा तक भेजते थे. Got it.
पुरुष से ज़्यादा संख्या में क्यों दिखती है, क्योंकि महिला जा सकती है और पुरुष भी साथ में जाएंगे अगर, तो बच्चे लोग को खाने का ही वांदा हो जाएगा, घर का खर्चा ही नहीं चल पाएगा, इसके लिए महिला की संख्या ज़्यादा दिखती है। और पुरुष लोग भी आते हैं अपने काम की छुट्टियाँ, अगर जिसके घर पे महिला नहीं है तो उनको मजबूरी वहाँ पे जाना होता है, पुरुष की भी संख्या रहती है, नहीं कि पुरुष की संख्या नहीं है, लेकिन महिला की संख्या ज़्यादा है। लेकिन केले लाडू लाडू जाले पूजा इकडे सरक के बच्चे लोग को छोड़ेंगे तो आवारागर्दी करते घूमते हैं और फिर भंगार कचरा चुनने के लिए बच्चे लोग का ध्यान जाता है, इसके लिए बालवाड़ी खुली वो सही है। वो आता ये आएगी नहीं मेरे साथ, आप ही लेके आओ। दूसरे जगह पे कहीं भी बालवाड़ी रहती तो आप खुद जाके छोड़ के आना पड़ता, ये नहीं मनीषा था ये अच्छे से चलाते और बच्चे लोग को बुलाने के लिए घर तक आते। राव्या खूप हे देते खरंच, ती मुलगी घरामध्ये आपल्या मुलांना बघत नाही पण ती आमच्या सगळ्याकरता जाते। एक वेळा ते भुकेली राहते पण ते पब्लिक करता खरं धावते, खरंच तिच्यासारखी मुलगी मी बघितली नाही। वो दे नहीं रहे, उनसे हम मांग छीन के ला रहे, मतलब उनके पास बार 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 हम जा रहे तब वो दे रहे, अब हम उनका नींद और चैन हराम कर दिए तब जाके हमको वो मिला। उनको सिर्फ हम 10,000 दिए, बाकी उठाने का खर्चा बाकी सबका खर्चा हमको है, अभी सीमेंट मंगाए ये भूसा मंगाए सब हमारे गली वाले का ही मिल के। घर पर सब काम करके बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके, छोटा था तो उसको स्कूल तैयार करके उसको स्कूल में भेज के आके घर में कुछ भी बना के, कि जैसे बच्चे दोपहर में आएंगे तो पड़ोसी क्या खाना रख के जाते थे कि वो खिला देंगे, उसके बाद आंदोलन में जाते थे घर से, यानी हर चीज़ करके, घर को भी संभालना है और घर भी संभालना है, मोर्चे में जाकर अपने घर वालों को बोलकर जाते थे कि कभी हम लोग को आने में लेट हो गया तो जो बासी है वही खाना पड़ेगा, तो बोलते थे कोई बात नहीं तुम जाओ क्योंकि तुमको तो दो दो जगह देखना है, हम तो सिर्फ काम पर जाके पैसे देंगे, तुमको घर संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और बाहर भी देखना है कैसे आंदोलन लड़ना है क्या है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। ऐसे करके उनका भी सपोर्ट रहता था, कभी खाना बनाने में लेट हो जाए और वो जल्दी आ जाए तो कभी वो भाजी काट के देते हैं, कभी वो बच्चों को संभालते, बच्चे रोते हैं तो कभी कोई ना कोई काम वो करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे उनका भी सपोर्ट रहता, तब हम आंदोलन में घर का काम करके बाहर जा सकते।